मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक कटोरी धुली हुई मूंग दाल, एक कटोरी घी, और मैंने यहाँ पर केसर के धागे लिए थे जिसको मैंने दूध में भिगो के रखा है 2-3 चम्मच दूध में, 1 कप दूध, 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच बेसन। तो आज मैं दाल को भिगो कर नहीं, मैं आज बिना भिगो ही दाल हलवा बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी अपनी ये दाल। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे अपनी दाल में। हमें दाल को अच्छे से अपने हाथों से इस तरीके से रगड़कर धुलना है। इसे हमें कम से कम 7 से 8 बार पानी चेंज करके ही दाल को धोएंगे हम अपनी। इस तरीके से हम इसे बहुत धुलना है। ये इसमें ये जो व्हाइट कलर आ रहा है हमारे पानी में, हमें तब तक अपनी दाल को धुलना है जब तक ये व्हाइट कलर एकदम पानी हमारा क्लीन ना हो जाए, तब तक हम अपनी दाल को धुल लेते हैं इस तरीके से रगड़ रगड़ कर। ये देखिए मैंने दाल को 7 से 8 बार अच्छे से पानी बदल कर धोया था। इस तरीके से जब हमारा पानी दिखने लगे दाल में तब हमें उसे नहीं धुलना है, इतना धुलना है हमें। अब इसको हम इसका पानी जो है ये निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉटन का हैंकी लिया है, अब इस पर हम अपनी ये धुली हुई दाल अच्छे से फैलाएंगे। मैंने अपनी सारी दाल इस पर फैला दी है। अब इसको हम इस तरीके से इसका सारा पानी अपने कपड़े से सोखेंगे, दबाकर इस तरीके से। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हम इसका सारा पानी हाथों से प्रेस करके सोखेंगे। ये देखिए हमने इसका पानी जितना सोखना था उतना सोख लिया है। उसके बाद हम इसको एक प्लेट में रखेंगे अपनी दाल को। मैंने दाल को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए पंखे में इसका जो भी थोड़ा बहुत जो गीलापन है सारा सोखाने तक पंखे में हम रखेंगे इसे 10 मिनट के लिए। मैंने 10 मिनट तक इसे पंखे में सुखा लिया है। अब ये हमारी दाल का सारा मॉइस्चर जो है सारा सूख चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी हमारे हाथों पे पानी नहीं आ रहा है। अब इसे हम गैस पर रोस्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए गैस पर कढ़ाई रखती हूँ। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें हमें घी या कुछ भी ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे इस तरीके से ही बिना घी के रोस्ट करना है। सबसे पहले हम अपनी सारी दाल इसमें कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अपनी दाल को रोस्ट करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। हाई फ्लेम पर नहीं करना है वरना हमारी दाल जल जाएगी। मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक अपनी दाल को हम चलाते हुए पकाएंगे। इससे हमारी दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा भूनने से। ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए भुना है। इसमें अभी थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है। इस तरीके से ही चलाते हुए मैं इसे 1 मिनट के लिए और भूनूंगी। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। बस हमें इसको इतना ही रोस्ट करना है। मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसे रोस्ट किया था। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। जार में ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेते हैं। मैंने दाल को मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए इसके थोड़े से दाने हैं, थोड़ा बारीक नहीं पीसा है, इसे थोड़ा सा दानेदार पीसना है। अब हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं। गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं ऐड करूंगी घी 2 से 3 चम्मच। घी को पिघलने देंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है। इसमें ऐड कर दूंगी मैंने जो 1 चम्मच सूजी ली थी वो। इसको हम भूनेंगे थोड़ा और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी मैं इसमें मैंने जो 1 चम्मच लिया था बेसन, इसका हम थोड़ा सा खुशबू आने तक हल्का सा भूनेंगे अपनी सूजी और बेसन को।
इस तरीके से बेसन और सूजी ऐड करने से हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल हलवाई के जैसा। आप बेसन और सूजी ज़रूर ऐड करें। बस मैंने इसे आधा मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपनी पिसी हुई दाल और इसमें मैं अपना ये घी अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसमें इतना घी लेना है जितना कि हमारी ये सूजी अच्छे से भुन पाए। अब इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दाल को हमने पहले रोस्ट करके पीसा था इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें हमें इस तरीके से इसे भूनना है। दाल अच्छे से भुन चुकी है, मैंने इसे 5 मिनट के लिए भुना था। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप पानी। अब पानी के साथ हम इसे अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट के लिए और भूनेंगे पानी ऐड करने के बाद। 5 मिनट तक भून लिया था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दूध जो मैंने लिया था 1 कप, इसमें से मैंने थोड़ा बचा लिया है, 1/2 कप ही ऐड किया है। और हमने जो केसर भिगो कर रखी थी दूध में उसे भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए दूध को सूखने तक अपने हलवे को पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। हमारा सारा दूध हलवे ने सूख लिया है। इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी, जिस कटोरी से मैंने दाल ली थी उसी कटोरी से मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब इसे हम चीनी के साथ अच्छे से पकाएंगे, चीनी के मेल्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमारी चीनी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी है और इसने देखो हमारे हलवे ने घी भी साइडों से छोड़ दिया है। अब ये बीच में खट्टा होने लगा है, हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें हम, मैंने ये इलायची पाउडर। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम और काजू से गार्निश करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हलवे का। इसमें हमने जो केसर डाला था उससे इसका येलो कलर आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप एक बार इस तरीके से हलवा ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।